अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तू तो नजायज है ना। नाजायज नहीं है ये, इसकी मां नहीं तो क्या, मैं हूं इसकी मां की थां। मैं बैठूंगी इसकी बग्गी में। तो इसी के साथ पवनियों का फैसला हो गया है। एक तरफ मन्नू के साथ अंबा पवनिया और दूसरी तरफ दीना पवनिया युवराज का साथ देंगी। अब सब माताएं अपने बच्चों के हाथ गाड़ियों में बैठ जाएं। मन्नू, ये प्रतियोगिता और भी कठिन हो गई है। ये हाथ गाड़ी और फिर उसके ऊपर मैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि तुझे पता है ना कि उस लाइन के पार हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। आप मुझ पे भरोसा रखिए। खेल बहुत ही कठिन है बच्चों के लिए। इन बच्चों को अपनी माताओं का भार उठा के ये रेस जीतनी है। काफी मुश्किल पड़ाव है, लेकिन सभी तैयार। आइए, एक मिनट, तीनों पीछे चलो, बहुत आगे लेकर आ गए गाड़ी। पुत्र जी, आप लाइन से आगे आ गए हो, आपको थोड़ा पीछे रहना है, मैं आपकी मदद करता हूं। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने, तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।